दोस्त देवेश गुप्ता, खबर है मऊरानीपुर से, जहां एक सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया है, जहां से लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से लिखित शिकायत की है। देखिए रिपोर्ट। चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना, लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोर के भागते हुए फुटेज कैमरे में हुए कैद। दुर्गा आरती में शामिल होने गया था परिवार। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मऊ देहात के रहने वाले संदीप नायक पुत्र ओम प्रकाश नायक ने शिकायत करते हुए बताया कि रात्रि में वह अपने परिवार के साथ दुर्गा आरती में शामिल होने गया था, तथा जब वह वापस आया तो अज्ञात चोर उसके घर में घुसा था। गृह स्वामी को देख चोर भागने लगा, जिसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला। चोर की भागते हुए फुटेज कैमरे में कैद हुई है। वहीं जब संदीप घर पहुंचा तो घर का सामान बिखरा था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर खुलासा करने की कोशिश में जुट गई है। अमित राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संदीप नायक। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना ये हुई कि रात को हम लोग माता के मंदिर मऊ देहात में जैन मंदिर के पास लगभग रोज आरती करने जाते हैं, जब से माता की मूर्ति विराजमान हुई है। तो किसी ने पता लगा लिया हो कि सब परिवार सहित जाते हैं लोग माता की आरती करने, तो तकरीबन 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए वहाँ के लिए, और जब हम 9:30 बजे घर से वहाँ से लौट के वापस आए तो मैंने जैसे ही ताला खोला तो वो जो व्यक्ति था जो चोरी करने घर में घुसा था, वो हमें धक्का दे के भागा। हम कुछ दूरी पर उसके पीछे भागे, जब फिर पीछा नहीं कर पाए तो वापसी आया। जब वापसी आया देखा कि काफ़ी सामान हमारा अस्त व्यस्त पड़ा था, सारा सामान ले जा चुके थे। कितना सामान गया? तकरीबन हमारे 4 मंगलसूत्र थे, 4 अंगूठियाँ थी, और कुछ कान कितने का? एक जंजीर थी, 1.25 लाख रुपया नगद, और लगभग 8-10 लाख का हमारा जीवन था। हाँ, पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस शाम को रात को आई थी, तकरीबन 2-3 बजे तक पुलिस रही भी है। कौन कौन आया? सीओ साहब भी आए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, और उन्होंने झांसी से कोई फॉरेंसिक टीम भी बुलाई थी। 4 बजे तक वो टीम वाले भी रहे, और उसके बाद वो रास्ता पथ लेके चले गए। आश्वासन दिया उन्होंने कार्रवाई का कि कार्रवाई की जाएगी, जल्दी खुलासा किया जाएगा चोरी का। आप ग्राम प्रधान हैं, आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या घटना हुई है? हमारे ग्राम पंचायत में ये संदीप नायक कुमार जो है, रात को इनका पूरा परिवार माँ दुर्गा की आरती में गया हुआ था। जब आप वहाँ से लौटे तो उन्होंने देखा कि एक चोर घर से निकल कर भाग रहा है। इन्होंने उसका काफ़ी पीछा किया, मगर वो पकड़ में नहीं आया, और इनका काफ़ी नुकसान हुआ। करीब 10-12 लाख रुपये की इनकी चोरी हो गई है। हम शासन प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि इनको जो है इनकी चोरी उसका खुलासा होना चाहिए चोरी का, क्योंकि ये एक जो है छोटे कर्मचारी हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से जो है अपना जोड़ के पैसा रखा था। घर का बहुत बुरा हाल है, और हमें आशा विश्वास है कि पुलिस इनके जो है चोरी में मदद करेगी और इनकी चोरी खुलना चाहिए।